Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahir Rahmanir Rahim. Babu ma jaa fil iftar fi safar. Ye bab safar mein iftar karne ke bayan mein hai. इसमें तीन हदीसें बयान की गई हैं। पहली हदीस हज़रत काब बिन आसिम रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिनल बिर्रि सियामु फिस्सफरी, सफ़र में रोज़ा रखना कोई भलाई नहीं है। दूसरी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इबन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उसके अल्फाज भी यही हैं, लैसा मिनल बिर्रि सियामु फिस्सफर। तीसरी हदीस हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साइमु रमदान फिस सफरी कल मुफ्तिरी फिल हदरी, यानी सफ़र में रोज़ा रखने वाला ऐसा ही है जैसे हदर में इफ्तार करने वाला। काला अबू इसहाक हाज़ल हदीसु लैसा बिशैइन, अबू इसहाक कहते हैं कि यह हदीस काबिले एतबार नहीं है। सफ़र में रमज़ान का रोज़ा रखने के बारे में उलमा का इख्तिलाफ़ है। बाज़ अहले ज़वाहिर के नज़दीक सफ़र में रमज़ान का रोज़ा रखना सही नहीं है, अगर रख लिया तो मुनाकिद नहीं होगा और उसकी कज़ा वाजिब होगी। उनकी दलील वही अहादीस हैं जो किताब में ज़िक्र की गई हैं, लैसा मिनल बिर्रि सियामु फिस्सफरी, यानी सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है। उनकी एक दलील मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसे हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के साल रमज़ान के महीने में मक्के की तरफ तशरीफ़ ले गए तो आपने रोज़ा रखा यहाँ तक कि आप मकाम उराउल गमीम तक पहुँच गए। उराउल गमीम मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक जगह है जो उस्फान से 3 मील के फासले पर है, और लोगों ने भी रोज़ा रखा। फिर आपने पानी का प्याला मंगवाया और उसे बुलंदी की तरफ उठाया यहाँ तक कि उसे लोगों ने देखा, फिर आपने पिया तो आपसे इसके बाद कहा गया कि बाज़ लोगों ने रोज़ा रखा है, तो आपने इस पर फरमाया, उलाइकल उसातु, उलाइकल उसातु, यानी ये लोग नाफरमान हैं, ये लोग नाफरमान हैं। तो अहले ज़वाहिर उलाइकल उसातु इन कलिमात से भी इस्तलाल करते हैं कि सफ़र में रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। जमाहिर उलमा और जमी एहले फतवा का
मौकिफ ये है कि सफ़र में रोज़ा रखना जायज़ है, रखा जाएगा तो मुनाकिद हो जाएगा। इख्तलाफ इस बात में है कि रोज़ा रखना अफजल है या इफ्तार करना अफजल है या दोनों बराबर हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम आज़म हज़रत अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह और अक्सर का मौकिफ़ यह है कि जो शख्स रोज़ा रखने की ताकत रखता हो उसके लिए रोज़ा रखना अफजल है, और अगर रोज़ा रखने से उसे नुकसान पहुंचता हो तो फिर इफ्तार करना अफजल है। रोज़ा रखना इसलिए अफजल है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से फारिग हो जाएगा, और रोज़ा रखने में मुसलमानों के साथ मुआफ़कत और मुताबकत की बिना पर आसानी और सहूलत भी होगी, और रमज़ान के गुज़रने के बाद उसके लिए कज़ा करने में दुश्वारी लाहिक होगी। और रोज़ा रखने में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अली सलातो तस्लीम के फ़ेल मुबारक में भी उनकी दलील है। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हम किसी सफ़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सख्त गर्मी थी और लोग गर्मी की शिद्दत से अपना हाथ सर पर रख रहे थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा के अलावा कौम में कोई भी रोज़े से नहीं था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र में रोज़ा रखना इस बात की दलील है कि हालत सफ़र में जो शख्स रोज़ा रखने की ताकत रखता है उसके लिए अफजल व बेहतर यह है कि वो रोज़ा रखे।